दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में। यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास ये ड्राइव है। आज के वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बीच में इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फोटोज़ को इसमें अपलोड कर सकते हो। सबसे आसान तरीका इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप इस वीडियो में एंड तक बने। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर ड्राइव एप्लीकेशन नहीं तो आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें अपने फोटोज सभी को जो है ईमेल आईडी पर अपलोड कर सकते हो। जब भी आप ईमेल आईडी आप लॉगिन करोगे तो कहीं से भी फोटोज़ को आप निकाल सकते हो, आपके फोटोज़ सेफ रहने वाले हैं वहाँ पर। तो किस तरीके से इसको अपलोड करना है, सबसे पहले आप इस ड्राइव एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो ऊपर आपकी मेल आईडी यहाँ पर दिखाता है कि आपकी ये मेल आईडी है। आपकी मेल आईडी अगर और पासवर्ड आपको याद है तो आप 10 साल बाद भी इन फोटोज़ को जो है सेफ रख सकते हो फोल्डर बना के। तो यहाँ पर देखिए नीचे प्लस का आइकन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको फोल्डर पर क्लिक करना है। आप किस नाम से फोल्डर आपको बनाना है वो आप बना सकते हो, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा फोल्डर बन चुका है। अब इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिस फोल्डर इज एम्प्टी बता रहा है। अब इस फोल्डर में हम जो है कुछ फोटोज़ अपलोड करने वाले हैं और गैलरी से हम डिलीट कर देंगे। तो गैलरी से परमानेंटली डिलीट करने के बाद इसमें अपलोड कर देंगे ताकि जो है इसमें फ़ोटोज़ सेफ रहे और जब भी ईमेल आईडी से हम लॉगिन करें तो कभी भी फोटोज़ को ओपन कर सके। तो यहाँ पर नीचे प्लस का आइकॉन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हो, दूसरा गैलरी से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए नीचे प्लस का आइकॉन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक अपलोड का ऑप्शन आपको सिंपली दिख रहा है, इसमें कोई भी यहाँ पर ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं। नीचे अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक के सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऊपर से डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप चाहे तो डायरेक्टली फोल्डर से भी कर सकते हो। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोल्डर से भी आ जाएंगे। सो एग्जांपल जो भी आपका फोल्डर है, जिस फोल्डर में आपका फोटो रखा है या फिर गैलरी में रखा है तो गैलरी से भी कर सकते हो। वो दूसरा तरीका मैं भी आपको बताऊंगा, पहले ये आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका जो फोल्डर है वो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हो ये सोनी कैमरा, इसमें कुछ फोटोज़ रखे हुए हैं। तो इस पर क्लिक करना है आपको, सोनी कैमरा यहाँ पर ओपन हो गया। अब जितने भी फोटोज़ आपको डालना है सिंपली आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऊपर थ्री डॉट्स आपको दिख रहा है साइड में, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, जिससे क्या होगा जितने भी सारे फोटोज़ है वो ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद ऊपर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर प्रिपेयरिंग हो रहा है, आपका वाईफाई कनेक्शन अच्छा होना चाहिए या फिर डाटा कनेक्शन अच्छा होना चाहिए इसमें, क्योंकि टाइम लगने वाला है। तो आप वाईफाई से कीजिए, वाईफाई की स्पीड अच्छी रहती है, किसी का भी वाईफाई 5G वाईफाई से कीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है और नीचे आपको दिखा देता हूँ ऊपर, यहाँ पर सारे फोटोज़ अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं और कितने बच्चे हैं यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो इसमें ज़्यादा टाइम बेसिकली लगता नहीं। दूसरा तरीका सिंपल है, दूसरा तरीका क्या है सिंपल है, उसमें आपको ज़्यादा झंझट करना नहीं। तो चलिए इसको मैं पॉज करता हूँ क्योंकि ये अपलोड बेसिकली मेरे को करना नहीं, सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब दूसरा तरीका ये है कि आपकी जो फ़ोन की गैलरी है उसको आप सिंपली ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। अब गैलरी से आपको जितने भी फोटोज़ अपलोड करना है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सभी शेयर हो जाएंगे, जितने भी आपको डालना है वो आप सेलेक्ट करते जाइए। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखें शेयर का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको ड्राइव ऑप्शन देखना, ये देख सकते हो ड्राइव का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ से डायरेक्टली मैं ड्राइव पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हो ये लोकेशन देख रहा है। तो यहाँ पर एक फोल्डर आपको सेट कर लेना है, कौन से फोल्डर में आपको रखना है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए फोल्डर आ चुका है क्योंकि दूसरी मेल आईडी पे था वो बेसिकली, तो मैंने चेंज की। यहाँ पर फोल्डर इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये इमेज यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर लोकेशन दिखा रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देख सकते हो फोल्डर आपको सिंपली सेलेक्ट कर देना है। अब आपको क्या करना, ऊपर सेव के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हो प्रिपेयरिंग टू अपलोड, तो अपलोड हो गया ऐसे सिंपली। अब ड्राइव में जाके आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये फोटोज़ जो है अपलोड हो रहे हैं। बेसिकली वाईफाई चालू करता हूँ मैं, तो इस तरीके से अपलोड कर सकते हो और आपके फोटोज़ सभी सेफ रहेंगे। बस आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड, अपनी ईमेल आईडी याद रखना है। किसी भी दूसरे मोबाइल में आप ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो ये सारे फोटोज़ ड्राइव में आ जाएंगे। ड्राइव सभी का एप्लीकेशन होता है, गूगल का खुद का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फोटोज़ के बारे में, इसमें भी आप फोटोज़ अपलोड कर सकते हो, ये भी अच्छा वर्क करता है और अच्छा एप्लीकेशन है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो जो है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हमारे साथ बने रहिए।